टी20 सीरीज के बीच इस दिग्गज खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास। इस दिग्गज खिलाड़ी के संन्यास के ऐलान के बाद चर्चाओं का दौर शुरू। क्रिकेट जगत में नाम के साथ इस खिलाड़ी का विवादों से भी रहा है पुराना नाता। आईपीएल में भी मचा चुका है धमाल। सीएसके की तरफ से लगा चुका है 2 शतक। भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला 1 फरवरी को खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान ये मैच अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। सीरीज का अंतिम मुकाबला दोनों टीमों के लिए बहुत अहम है। जो टीम आखिरी मैच जीतेगी वो सीरीज पर कब्जा करेगी। मौजूदा टी20 सीरीज में दोनों टीमें एक एक मैच जीतकर बराबरी पर हैं। वहीं इसी बीच दिग्गज भारतीय बल्लेबाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। भारतीय टेस्ट टीम में इस खिलाड़ी की अहम भूमिका थी। आगे आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कौन है ये खिलाड़ी और आखिर इस खिलाड़ी ने संन्यास का ऐलान क्यों किया। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ओपनर मुरली विजय ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बीसीसीआई, आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स और तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन को धन्यवाद अदा किया। मुरली विजय ने तमिलनाडु से ही घरेलू क्रिकेट खेलना शुरू किया था। उनके नाम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक है। साथ ही उन्होंने साउथ अफ्रीका और विदेश में कई अहम टेस्ट पारियां खेली। विजय ने 2008 में भारत के लिए टेस्ट डेब्यू किया था। तब से उन्होंने 61 टेस्ट मैच भारत के लिए 38.28 की औसत से 3982 रन बनाए। इनमें 12 शतक और 15 अर्धशतक शामिल हैं। उन्होंने 17 वनडे और 9 टी20 मैच में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है। वनडे में उन्होंने 339 और टी20 में 169 रन बनाए। उन्होंने 2018 में भारत के लिए आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में टेस्ट मैच खेला था। वहीं जुलाई 2015 में उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी बार वनडे और टी20 खेला था। वो 2013 में भारत को चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाली टीम का भी हिस्सा थे। मुरली विजय 2011 से 2015 के दौरान भारतीय टेस्ट टीम का भी अहम हिस्सा थे। टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करते हुए उन्होंने कई अहम पारियां खेली हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में 144 और इंग्लैंड के खिलाफ ट्रेंट बिच मैदान पर 145 रन की पारियां अहम थी। मुरली विजय ने लॉर्ड्स में 95, एडिलेड में 99, साउथ अफ्रीका के खिलाफ किंग्समेट मैदान पर 97 रनों की पारी भी खेली है। इन पारियों में उन्हें लंबे समय तक भारतीय टेस्ट में बनाए रखा। मुरली विजय 2008 से आईपीएल में भी खेल रहे हैं। वो पहले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ थे। उन्होंने 2010 और 2011 के सीजन में सीएसके के लिए 2 शतक भी जड़े हैं। दोनों ही सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स चैंपियन बनी। ओवरऑल 106 आईपीएल मैचों में उन्होंने 121 की स्ट्राइक रेट के साथ 2619 रन बनाए हैं। इनमें 2 शतक और 13 अर्धशतक शामिल हैं। फिलहाल वो किसी भी आईपीएल टीम का हिस्सा नहीं है। विजय ने कहा कि वो क्रिकेट के बिजनेस और दुनिया भर में लीग क्रिकेट खेलने पर फोकस करेंगे। ऐसे में मुमकिन है कि विजय लेजेंड्स लीग क्रिकेट, इंटरनेशनल लीग क्रिकेट खेलते नजर आएंगे। साथ ही वो किसी आईपीएल टीम में मेंटर और बैटिंग कोच के रूप में भी जुड़ सकते हैं। मुरली विजय और तमिलनाडु टीम में उनके साथी खिलाड़ी दिनेश कार्तिक अच्छे दोस्त थे, लेकिन कार्तिक की पत्नी निकिता और मुरली विजय का अफेयर हो गया था। उस समय निकिता प्रेग्नेंट भी थी। 2012 में दिनेश कार्तिक और निकिता का तलाक हो गया। फिर विजय ने निकिता से शादी कर ली। अभी दोनों के 3 बच्चे हैं। कार्तिक ने 2015 में भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल से शादी कर ली। मुरली विजय ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट डिनर डेट पर भी जाना चाहते थे। 2020 में चेन्नई सुपर किंग्स को मुरली विजय ने एक इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि एलिसा पेरी के साथ डिनर पर जाना चाहते हैं। उन्होंने इसके पीछे वजह बताई थी कि वो बहुत खूबसूरत। एलिसा पेरी ने बाद में इंटरव्यू में उनका ऑफर स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन पेरी ने कहा कि बिल विजय को ही देना पड़ेगा।